हेलो दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक केटली है, कोई इसको इलेक्ट्रिक जग भी बोलते हैं, तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। अभी सबसे पहले हम इसको सीरीज बोर्ड में टेस्ट करेंगे। इसका थ्री पिन टॉप जल गया था, मैंने उसको वहीं से कट कर दिया था। चेक करने के लिए मैंने इस तरीके से एक लीड बना रखा हूँ, मैंने अभी सीरीज बोर्ड पर लगा दिया हूँ, लेकिन हमारा ये सीरीज बल्ब चलना चाहिए था, वो नहीं जल रहा है, लेकिन इसका LED जो है वो जल रहा है। इसका स्विच भी ऑन ऑफ करने पे वो ऑन ऑफ भी हो रहा है LED, इसका मतलब स्विच भी हमारा ठीक है, सप्लाई वहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा है। ये गर्म क्यों नहीं हो रहा है हमें ये जग खोलने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि खोलने के बाद हम अंदर से सारी चीज़ को फिर टेस्ट लैंप से चेक कर लेंगे। हम केटली का ये नीचे का जो प्लेट है, कवर लगा हुआ है, उसको हम खोल लेते हैं। ये तीन जो स्क्रू है उसको हम फटाफट खोल लेते हैं। ये तीनों स्क्रू खोलने के बाद ये कवर निकल जाएगा। ये मैंने निकाल दिया हूँ कवर। अभी हम टेस्ट लैंप से इसको चेक करेंगे। जो बेस प्लेट पे रखने पे जहाँ वो कनेक्ट होता है, फेस और न्यूट्रल, उसी पॉइंट में मैंने टेस्ट लैंप का दोनों तार को कनेक्ट किया हूँ। वहाँ कनेक्ट करने पे LED तो ग्लो कर रहा है, लेकिन हमारा टेस्ट लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एलिमेंट ख़राब है। फिर भी हमने इसे एलिमेंट का दोनों पॉइंट पे डायरेक्ट लगा कर चेक कर लेते हैं, फिर भी हमारा टेस्ट लैंप नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये कन्फर्म एलिमेंट ख़राब है। और ये एलिमेंट रिप्लेस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका एलिमेंट कंपनी से मशीन में प्रेस होकर बनता है, इसलिए ये केटली रिपेयर नहीं हो पाएगा।